काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के बाद अगर आप यहाँ की विश्वनाथ गली नहीं घूमे और यहाँ का फेमस स्ट्रीट फूड नहीं खाया तो आपका घूमना थोड़ा अधूरा सा माना जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको यहाँ का कुछ फेमस स्ट्रीट फूड खिलाने ले चलता हूँ और दिखा भी देता हूँ कि आपको इस विश्वनाथ गली में क्या क्या खाना चाहिए। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो बनारस के अभी हम जा रहे हैं जी विश्वनाथ गली के अंदर, और इस गली के अंदर आपको क्या क्या खाने को मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया चीजें खाने पीने को मिलने वाली हैं इस गली के अंदर। तो चलिए इस गली के अंदर का मैं आपको फूड दिखाता हूँ। अगर आप बनारस आ रहे हैं और विश्वनाथ गली के अंदर अगर आप नहीं आ रहे हैं तो भाई कोई फायदा नहीं होगा आपका बनारस आएगा। तो चलिए इस गली के बेस्ट से बेस्ट स्ट्रीट फूड मैं आपको दिखाता हूँ। शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ जी कुंजू साव, बालूशाही, लस्सी का मैंगो लस्सी 50 रुपए, सादा लस्सी 40 रुपए। ये है जी चंदन का गोला जिसको कहा जाता है। ये है जी राधा कृष्ण मिल्क, ये रबड़ी है भैया, और ये दही। लस्सी कैसे कैसे गिलास रहता है, ये 40 और ये 50। श्री राधा कृष्ण मिल्क लस्सी बहार, ठीक है जी। तो ये जो सारी गली है जी ये अपना विश्वनाथ गली है जिस गली में हम हैं। तो आपको मैं एक प्रॉपर एक चीज़ एक और दिखा देता हूँ कि अगर आप दर्शन के लिए आएंगे तो इस गली में से आइएगा तो बेटर रहेगा, है ना। भीड़ भाड़ भी ज़्यादा नहीं मिलेगी, लाइन ज़्यादा नहीं मिलेगी, है ना, और एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग अगर आइएगा तो बढ़िया रहेगा दर्शन करने के लिए आएंगे तो। उधर से जब आप दर्शन करके आ जाएंगे तो ये इधर से एग्जिट का रास्ता आपको इधर से ही आना पड़ेगा, है ना। और ये आ गया जी माँ अन्नपूर्णा मंदिर, है ना। यहाँ पे सीन क्या रहता है कि आपको रिफ्रेशमेंट्स वगैरह मतलब भंडारा वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉपर तरीके से, एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आपको पर आना पड़ेगा। अंदर का मंदिर वैसे आज सुबह ही मैंने दर्शन कर लिए थे, और आगे का भी मैं आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। वो रहे उधर महाराज जी हमारे काशी विश्वनाथ महाराज अंदर बैठे हुए हैं। अंदर का एक्चुअली इधर का मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगा ज्यादा, क्योंकि वीडियो बनाना भाई साहब अलाउड नहीं है। तो थोड़ा सा मैंने आपको दिखाना था तो वो मैंने दिखा दिया है। और इस गली के अंदर अगर आप आएंगे तो एक टाइमिंग के अकॉर्डिंग आना, तो प्लीज अगर आप स्पर्श दर्शन वगैरह करना चाहेंगे तो 7:30-7 बजे की टाइमिंग सबसे बेटर रहेगी आप लोगों के लिए, आपको ज्यादा भीड़ भी नहीं मिल पाएगी और स्पर्श दर्शन भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए आगे मार्केट की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये है जी छोटू लस्सी, ये लस्सी ये पनीर होगा, और यहाँ मतलब रसगुल्ला वगैरह आपको मिल जाएगा, ये आई थिंक बालूशाही क्या कहते हैं, बालूशाही कहते हैं ये, क्या कह ये क्या रहता है, मलाई चमचम, मलाई चमचम। और ये है जी पनीर, ये एक पीस दे दीजिएगा जरा। तो चलिए जी मलाई चमचम देखते हैं ट्राई करके क्या सीन रहता है मलाई चमचम का, क्योंकि आए हैं तो भाई साहब खाना बनता है। एक मलाई चमचम हम लोगों ने कलकत्ता में भी ट्राई की थी, अगर आपने मेरी कलकत्ता की सीरीज देखी होगी तो वहां पे हम लोगों ने मलाई चमचम ट्राई की थी। इसका टेस्ट और इसका टेस्ट देखते हैं जी कैसा है। बात
मजारेदार। कैसे पीस रहता है भैया? 25 रुपये, ये 25 रुपये का पीस है और बढ़िया तरीके से मलाई वगैरह डली हुई है। और इसके अंदर जो मीठा मैं आपको बताऊँ ना, लिमिटेड, जैसा होता नहीं कि एक बिल्कुल बढ़िया तरीके से 50-50 की, ना ज़्यादा है ना कम है, लिमिट में मीठा है, सबसे बढ़िया बात यही लगी मुझे। हर हर महादेव शिव शंभू। ये आ गया जी इधर बाटी चोखा, कहते साउथ इंडियन के साथ साथ आपको बिहारी खाना भी मिल जाएगा जी यहाँ पे। और ये बाटियां है जो अभी अभी तो तैयार कर ही रहे हो भैया। भाई सत्तू डाला हुआ है, कैसे पीस है? 40 रुपए का दो। साथ में क्या क्या देते हो? बैंगन का भरता दिखाना जरा एक बार। अच्छा चटनी और प्याज रहेगा, बहुत बढ़िया। दो बाटी, तो ये है जी अपना बाटी चोखा, दाल चावल, खीर, गुलाब जामुन। तो मार्केट के अंदर आपको साउथ इंडियन फूड के साथ साथ ना भाई साहब बिहारी फूड भी खाने को मिल जाएगा। और क्या चाहिए आपको, है ना? देखिए बाटियां बिल्कुल सिगड़ी के ऊपर किया हुआ है, अच्छा दाल चावल भी बना रहे हो, अच्छा खत्म हो गया, ठीक है। इस मार्केट में भाई साहब बढ़िया बढ़िया चीजें आपको मिलेंगी खाने को, जैसे पकौड़ियां तली जा रही है। ये बैंगन का है, कैसे पीस रहता है ये? 10 रुपए का। और मिर्ची वड़ा हो गया जी, ब्रेड पकोड़े हो गए, और ये आलू वड़ा, बहुत बढ़िया। तो इधर भाई बेलपत्र बेलपत्र वगैरह का खाना चाहते हो, और बाकी इधर कचौरी कहते हैं, बड़ी छोटी छोटी कचौरियां हैं। और ये अपना स्प्रिंग रोल, मोमोज दिखाएंगे जरा एक बार खोल के, क्या बात है, कैसे रहते हैं मोमोज की प्लेट? 20 रुपए के कितने? 8, 6, बढ़िया। तो वही खाना पीना जी इस मार्केट के अंदर आपको स्ट्रीट फूड तो मिलेगा ही मिलेगा, बढ़िया तरीके से आप लोग अपना खा पी सकते हो, है ना? तो आइए अब आपको ले चलते हैं जी विश्वनाथ चाट भंडार पे, और यहाँ चेक करते हैं जी क्या क्या चीज़ हम लोग खा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं और आपको भी दिखा पाएंगे। जैसे यहाँ पे है जी टमाटर चाट, टिकिया चाट, गोलगप्पा, दही गोलगप्पा, पापड़ी चाट, पालक पापड़ी, गुलाब जामुन, छोला समोसा, खस्ता कचौड़ी, चूड़ा मटर, लहसुन प्याज उपयोग नहीं होता है, है ना? तो देखते हैं चलो क्या यहाँ पे ट्राई किया जाए, बढ़िया बैठ के अंदर, वैसे बैठ के ही खाएंगे मेरे हिसाब से। तो नागेश्वर बाबा, विश्वनाथ चाट भंडार पे अभी आ गए हैं जी हम, एक चम्मच और दे रहा है। ये आ गई अपनी टिक्की चाट, क्या बात है। लीजिए जी पहली बाई बहुत अच्छी है, बढ़िया टेस्ट, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, तीखा कम खाते हैं, तो इस वजह से तीखा अपने को ज्यादा लगता है। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं जी लखनऊ वाले के साथ, एक्चुअली मैंने लखनऊ में भी चाट की टिक्की खाई थी, और उस जैसा स्वाद नहीं हुआ था, उसका तो स्वाद ही अलग था।
तो ये भी ठीक है, लेकिन ये है कि बंदा खा सकता है, टेस्ट फील हो रहा है। भैया इसमें थोड़ा दही और वो डालना, मीठी चटनी। अब टेस्ट आया, दही और वो डलवाया ना, चलिए इसको मैंने बैठता हूँ, इसको फिनिश करते हैं, फिर चलते हैं बाहर। तो ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है जी, ये सारी विश्वनाथ गली है, और इस गली के अंदर आपको भाई साहब बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें खाने पीने को मिलेंगी। तो चलिए फिर इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं हमारे बनारस के नए एपिसोड में। और नया एपिसोड जो आने वाला है भाई साहब, खतरनाक आने वाला है। माइक चल रहा है ना, माइक चल रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में, बाय। हर हर महादेव, शिव शंभू।